विश्व के सबसे खूबसूरत स्टेडियमों में शुमार धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले T20 मैचों को लेकर आज रविवार को करीब 2 बजे पंजाब किंग्स के खिलाड़ी कांगड़ा हवाई अड्डे पर स्पेशल चार्टर विमान के जरिए पहुंचे। कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचने पर HPCA के अधिकारियों द्वारा खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर हुए ताजा हिमपात का नजारा भी पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों ने लिया और खिलाड़ी कांगड़ा हवाई अड्डे पर सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। उसके उपरांत पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्पेशल गाड़ियों के जरिए धर्मशाला के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं आज पंजाब किंग्स के खिलाड़ी आराम करेंगे, लेकिन कल यानी 15 मई को पंजाब किंग्स के खिलाड़ी धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में उतरेंगे और अपने आगामी खेले जाने वाले 2 मैचों को लेकर अभ्यास भी करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था तो फ्लाइट से ही शुरू हो गई थी और वहीं से हमने क्यू बना दी थी और दोनों तरफ पुलिस के जवान थे हमारे, और इस तरीके से यहाँ तक हमने उनको बस में बैठने तक सुरक्षा प्रदान की। किस तरह से स्वागत किया गया है हिमाचल पहुंचने पर खिलाड़ी? हिमाचल तो सबसे पहले तो खिलाड़ी बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने देखा कि बर्फबारी थी इतनी, तो बहुत खुश थे। बहुत लोगों ने बहुत देर तक तो फ़ोटो खींचते रहे वो, और बहुत खुश थे। और कुछ फैमिली के साथ भी आए थे तो उन्होंने भी फ़ोटोज़ खींची, और फिर हमें कहना पड़ा कि अब बस आप चलें एक साथ, तो फिर वो आए और फिर बैठे। कल एक और टीम जो है यहाँ पे आने वाली है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी है? सभी टीम के लिए हम बहुत उत्साहित भी हैं। एयरपोर्ट प्रबंधन भी बहुत उत्साहित है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद टीम जो है गगल एयरपोर्ट पे आ रही हैं, तो हम उत्साहित भी हैं। सुरक्षा व्यवस्था और थोड़ी सी हमने चाक चौबंद की हुई है और उसके लिए सभी तरीके की जो व्यवस्थाएँ हैं उनको हम लोग कर रहे हैं। खिलाड़ियों का हिमाचल पहुंचने पर क्या हिमाचली संस्कृति से भी स्वागत किया जाएगा? हिमाचली संस्कृति से अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई एडमिनिस्ट्रेशन से। हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या HPCA अगर कुछ ऐसा प्रावधान कर रहा हो तो उसके बारे में जानकारी नहीं है, बट हम लोग जो है हो सकता है एयरपोर्ट पर वो कर रहे हैं। कौन सी फ्लाइट से अभी पहुँचे सकते हैं? अभी इनकी एक चार्टर्ड फ्लाइट थी एयर इंडिया के एयरलाइंस एयर के थ्रू, और ये चार्टर्ड फ्लाइट से आए थे। कल जो आएंगे कल भी वो चार्टर्ड फ्लाइट ही है और एयर अलायंस एयर की है। इसी के साथ पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन कल 15 मई को धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले मैचों को लेकर पिच का मुआयना भी करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पिच से किस तरह से बल्लेबाजों या फिर गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। इसी के साथ पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन की नज़र कहीं न कहीं शाम को पड़ने वाली ओस पर भी रहेगी कि ओस पड़ने से किस तरह से खेल पर प्रभाव पड़ सकता है। आपको बता दें कि धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की पिच फास्ट है और इसमें अक्सर गेंदबाजों को मदद मिलती है। IPL तो एयरपोर्ट तो डेफिनेटली एयरपोर्ट में तो पैसेंजर्स, क्योंकि अभी IPL देखने के लिए बहुत सारे पैसेंजर्स आ रहे हैं और इस IPL से ना जाने टूरिज्म को तो बहुत बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट भी आ रहे हैं। इनफैक्ट कि जैसे मुझे शेखर धवन से भी बात हुई तो वो भी बोल रहे थे कि अभी तो बहुत भीड़ होगी क्योंकि बहुत दिनों बाद धर्मशाला में मैच हो रहा है, तो हमने भी कहा कि हाँ बिल्कुल भीड़ हो, और पता भी चल रहा है, जैसे आप लोगों के माध्यम से भी पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग टूरिस्ट आ रहे हैं। फ्लाइट की संख्या आपने देखा ही होगा, हाल ही में पेपर्स में भी आया था कि पिछले 4 महीनों से लगातार फ्लाइट्स की भी संख्या बढ़ रही है और पैसेंजर्स की भी संख्या बढ़ रही है। अब जो है पैसेंजर्स की जो संख्या, जो जनवरी में पैसेंजर्स थे करीब 9,500 और अब जो है इस महीने 21,000, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं 4 महीने के अंदर पैसेंजर्स। तो डेफिनेटली पैसेंजर्स ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, फ्लाइट्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।